हेलो क्यूट क्राफ्टर्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड अब आने वाला जो है फंक्शन, एंड जिस पे है मेरी एक प्यारी सी वीडियो। एंड अब थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एज यूजुअल मैं अपने स्टाइल में इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बट उससे पहले आप ज़रा मेरे नेल्स देखो यार। एंड इस नेल से भी आप समझ ही गए होंगे। खैर, आज का थीम है इंडिपेंडेंस डे, ट्राई कलर आर ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट कलर। एक जब भी हर जगह स्कूल वगैरह में एक प्यारा सा फंक्शन होता है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले हम एक जो मेरे स्कूल में होता था, मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम प्रेयर करते थे एज यूजुअल स्कूल में जाके, एंड देन फिर झंडा आरोहण रोहन होता था, एंड फिर उसी के साथ हम अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन गाते थे। एंड फिर जो है कार्यक्रम की जो डांस गाने एंड उसके पोएम वगैरह, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सब प्रिपेयर कुछ ना कुछ करते थे। एंड दो तीन घंटे यही चलता था। एंड फिर उसके बाद हम मतलब डांस वांस करके फिर हमें जो है कभी गुलदाने, कभी समोसे, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलती थी। आई होप मतलब आपके स्कूल में भी मिलती हो, हमारे स्कूल में तो मिलती थी। एंड मेरा स्कूल जो है पहले वाला, इससे थोड़ा ही यहीं पर नियर बाय है, तो मैं आज भी मतलब जाती हूँ आफ्टर स्कूल, हर साल जाती हूँ इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी, दोनों दिन जाती हूँ मैं स्पेशली फॉर फंक्शन। बिकॉज जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो ही डांस, क्योंकि गाने तो इसके लाइक फिक्स ही होते हैं, रेश रंगीला, धरती, आई लव माइंड, लाइक दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स इसी में होते हैं। तो उन्हें देख के ना अपना बचपन जी भी लेते थे हम, उन्हें डांस देख के बहुत बहुत खुशी होती थी। लेकिन उस टाइम जो है हम कुछ एक्सेसरीज पहनते थे, जैसे कि हो गए हमारे बैंगल्स, हमारा बैड्स, ट्राई कलर, हेयर के कुछ एक्सेसरीज, लाइक हम ड्रेस भी थी मेरे पास स्कूल टाइम में, तो थी वाइट सूट, ग्रीन लेग एंड ऑरेंज चुन्नी। एंड अभी नहीं थी, एंड ना ही मेरे पास इतना बजट था कि मैं मतलब खरीद पाऊँ दोबारा, तो मेरे पास जो भी था वाइट टॉप वगैरह मैं पहने। और फिर बाकी मैंने भी सोचा क्या लूँ क्या करूँ, फिर मैंने सोचा एज यूजुअल जैसे मैं स्कूल टाइम में भी मैं खुद के ही कुछ DIYs कर लेती थी मैक्सिमम, बैड जो है वगैरह वगैरह चीज़, तो मैं आज भी वही करूँगी। एंड ये आपको भी हेल्पफुल होता कि आप भी अपने स्कूल टाइम में बाहर से खरीदने की बजाय थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखाओ एंड खुद से बना लो। एंड ये इतने ईजी होंगे लाइक एज यूजुअल मैं बोलती हूँ, लाइक इन्हें छोटे बच्चे आराम से बना सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का ही फेस्टिवल होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हैंड बैंड बनाएंगे एंड धीरे धीरे हम बाकी सारी चीज़ें बनाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आ गए हम अपनी क्राफ्ट टेबल पर। हम वही तीन कलर लेंगे अपने जो झंडे में, हम तीनों के स्ट्रिप्स कट करेंगे, 2 2x10 के, 1 1x10 के। ग्रीन में हम एक बीच में लाइन कर देंगे ताकि हम उसे कुछ इस तरीके से पेपर स्टिक कर पाए। अप्लाई सम ग्लू एंड स्टिक द वाइट वन लाइक दिस। एंड अब ऑरेंज पे स्टिक कर देंगे हम नीचे थोड़ा ग्लू अप्लाई करके। एंड इट्स कम्प्लीटली डन नाउ। अब मैं इसे जो है वाटर प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे सेलो टेप यूज कर रही हूँ। आप सेलो टेप लगाने से पहले इसमें अशोक चक्र जरूर बना लें, मैंने तो मतलब बाद में बनाया। एंड इसे अब लेमिनेट कर देंगे, इससे जो है ये वाटर प्रूफ हो जाएगा थोड़ा। एंड ये देखिए आप अशोक चक्र भी मैंने बना लिया, इसको डबल लेमिनेट किया। फिर मैंने जो है अपना एक्सेस पार्ट कट किए, चारों साइड होल्स किए। एंड फिर ये कुछ इस तरीके का होल, आप कोई भी कलर का थ्रेड वगैरह ले सकते हैं। 20 सेंटीमीटर ईच साइड इंसर्ट करके होल्स में डाल दिया। एंड कुछ इसका डालना भी बहुत ईजी है लाइक दिस। एंड सिमिलरली द अदर वन। एंड इट्स डन। एंड आवर हैंड बैंड इज डन। एंड ये बिल्कुल भी DIY नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मार्केट से लेके आए हम। एंड प्राउड ऑफ यू। सो हमारा फर्स्ट DIY इसी के साथ कंप्लीट होता है। एंड आप देख सकते हैं इतना ईजी प्रोसेस, एंड इतने लेस मटेरियल के साथ हमने ये इतना प्यारा सा हैंड पेंट प्रिपेयर कर लिया है, अमेजिंग। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट होता है। एंड ये बहुत 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 ईजी है। एंड अब हम बनाएंगे कुछ सेकेंड DIY। एंड क्या बनाए क्या बनाए, ईयर रिंग्स बनाते हैं यार, कान बहुत सुने सुने लग रहे हैं। चलो एक ब्यूटीफुल सा ईयर रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3 glitter sheets। एंड इन तीनों के हम कट करेंगे हार्ट, एंड कुछ इस तरीके से हार्ट शेप कट करेंगे। ऑरेंज सबसे छोटा, एंड फिर व्हाइट थोड़ा बड़ा, एंड ग्रीन सबसे बड़ा। एंड फिर तीनों के में होल कर देंगे किसी भी पॉइंटेड टूल की हेल्प से। एंड एक बिग जंप रिंग लेंगे, तीनों को 1x1 जंप रिंग में इंसर्ट कर देंगे
लाइक दिस एंड फिर एक इयर रिंग हुक और इंसर्ट करके जम रिंग को कर देंगे लॉक एंड इट्स डन। सिमिलरली एक और बनाया मैंने, आओ इसे ट्राई करते हैं। एंड इसी के साथ हमारे ब्यूटीफुल से क्यूट से हार्ट शेप ट्राई कलर इयर रिंग्स कम्प्लीट होते हैं। एंड अब हम बनाएंगे कुछ या यहाँ खाली खाली सर का एक बैज बनाते हैं, ब्यूटीफुल सा बैज। अरे एंड अब तक आपने नोटिस किया होगा मेरे पेंट दूसरी थी, अब मैंने चेंज कर लिया है अपने थीम के अकॉर्डिंग। एंड जैसे कि मेरा बैकड्रॉप भी आप देख ही रहे हैं। एंड अब हम बनाएंगे अपना क्राफ्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स कट की है एंड फिर मतलब पीछे पेपर के हेल्प से तीनों को साथ में स्टिक कर दिया, बीच में अशोक चक्र लगा दिया है एंड पीछे बस हम कोई भी सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये सेफ्टी पिन मेरे इससे बड़ी थी, मेरे को कोई छोटी मिल नहीं रही थी, आप अपने इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फिर एक पेपर के साथ हम इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राई, लेट्स ट्राई इट। इसके साथ हमारा हैंड मेड भी होता है कंप्लीट। मैंने जो इसमें एक ग्लू की लेयर और ऐड कर दी ताकि इसकी ग्लिटर्स और ना छूटे, फिर कपड़ों पे फेस पे लग जाते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, दैट्स व्हाई। एंड हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यार हेयर्स में भी कुछ करते हैं ना, हेयर्स हमारे खाली खाली रह जाएंगे, हेयर्स में भी करते हैं। हेलो, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये टिक टैक पिंस एंड ट्राई कलर रिबन। सबसे पहले हम लेंगे एक रिबन एंड इसको 30 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। सिमिलरली डू विद अदर्स एंड अब तीनों को साथ में ज्वाइन करके मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड अच्छे से स्टिच करने के बाद, नॉट लगाने के बाद, इट्स डन। अब हम इसको एक मास्किंग टेप की हेल्प से टेबल पे स्टिक कर देंगे। एंड अब हम जैसे हमारी और छोटी गूंथते हैं उसको इसी तरीके से तीनों को साथ में गूंथ देंगे। एंड आफ्टर दैट हम एंड में भी जैसे हमने ऊपर स्टिचेस किए थे, नीचे भी मैं स्टिचेस का यूज करूंगी। एंड आप स्टेपल वगैरह कोई भी मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको ग्लू गन के हेल्प से टिक टैक पिन के साथ हम कर देंगे स्टिक एंड इट्स डन। लेट्स एंड सिमिलरली मैंने एक और बनाया है एंड लेट्स ट्राई इट। मैं आपको यूज़ और बता देती हूँ इसे कैसे यूज़ करेंगे। इन्हें आप, मैंने जो अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग बनाए हैं, इन्हें बस कहीं पे भी टिक कर सकते हैं आप। चाहे तो इसे अपना जो चोटी बनाओ या हेयर बैंड बनाओगे ना उसमें भी आप इसे कर सकते हैं। एंड थोड़ा और इसे मिक्सअप करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा और एक्सेसरीज भी होता है कंप्लीट। मुझे सबसे सबसे मस्त लग रहा है अभी तक का मेरा बेस्ट 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 ईयर है। एंड इसके नीचे चाहे तो आप फेदर्स वगैरह भी ऐड करते, मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने नहीं किए। खैर हमारे ये सारी चीज़ें होगी, बट एक हाथ में तो यार हमारा हैंड बैंड हो गया, सेकेंड हैंड में क्या करें। ट्राई कलर बैंगल्स बनाते हैं अभी तक, इजी, अगेन इजी प्रोसेस। अभी तक आप देखिए जो सारे इजी प्रोसेस बस मटेरियल्स यूज़ करके हमने बनाई हैं चीज़ें, इसका भी इसके लिए हमें चाहिए बस टू मटेरियल्स। आ जाओ, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक बैंगल, ओल्ड बैंगल एंड वूल, दैट्स इट। एंड अब हम इसको वूल को बैंगल्स पे रैप कर देंगे, कम्प्लीटली कवर कर देंगे। मैं यहाँ पे वही कलर लेने हैं अपने ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। एंड इसको अच्छे से ऐसे आपको फिनिशिंग के साथ करना है कि ये एकदम हैंडमेड ना लगे। एंड इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट वर्थ इट। एंड अब बस हमें इसे कम्प्लीटली रैप 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 करना है। एंड सिमिलरली हो गया है ये डन। एंड एंड में मैंने ग्लू लगा के इसको मास्किंग टेप के साथ थोड़ा स्टिक करने के लिए रख दिया। एंड सिमिलरली मैंने व्हाइट एंड ग्रीन भी रेडी कर लिया है, आप इसे ट्राई कर एंड देख सकते हो। एंड आई मस्ट से आज का मेरा ये बेस्ट ईयर है क्योंकि इसमें फिनिशिंग देखो यार कितनी अमेजिंग फिनिशिंग है। एंड मैं आप बोलोगे सबके लिए ही बोलूँ लेकिन ये भी हैंडमेड नहीं लग रहा है, ये भी मार्केट लग रहा है, मार्केट से लाया हुआ। एंड देख ही सकते हो इसमें भी हमने कितना इजी प्रोसेस किया है सब कुछ। एंड यार अब क्या बनाएं यार, हमने खुद को तो सजा लिया बट अबाउट आर रूम, आर क्लासरूम, आर स्कूल, उनको भी तो हमें ही सजाना है ना, तो उसके लिए भी एक प्यारा सा वॉल डेको बनाते हैं, रूम डेको बनाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैंने एक वेस्ट पेपर पे इसको फोल्ड करके इसको एक पॉट मतलब ड्रॉ कर लिया है विद दिस इजी प्रोसेस। एंड सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे
लाइक दिस एंड अब इसको ट्रेस कर लेंगे हम कोई भी कार्डबोर्ड पे, एंड ट्रेस करने के बाद यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे एंड इट्स डन। अब हम बस इसे डेकोरेट करेंगे वही अपने प्यारे से तीन कलर, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। एंड ये देख सकते हैं ऊपर हमने लगाया ऑरेंज एंड बीच में लगाएंगे व्हाइट एंड एंड में ग्रीन एंड फिर एक्सेस पार्ट्स हम कट कर देंगे एंड इट्स डन। अब बीच में हम अशोक चक्र भी लगाएंगे एंड इट्स डन। अब चलो इसके फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर के लिए मुझे चाहिए स्टेम। स्टेम बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये एक पेपर एंड मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है एंड इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है लाइक दिस। अब हम इन्हें कट कर लेंगे, फिर लेंगे एक स्ट्रिप उनमें से एंड इनको रोल रोल करके एक पाइप, एक स्ट्रो, एक स्टेम, जो भी आप बोलो वो प्रिपेयर कर लेंगे एंड में ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे एंड सिमिलरली हम करेंगे सभी के साथ। एंड अब हम इन सबको कुछ ऐसे स्टिक कर देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड उसमें थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप यूज कर रही हूँ। फिर लगाएंगे ग्लू एंड स्टिक कर देंगे एंड देख सकते हो डन। इसको हम थोड़ा और एडजस्ट कर देंगे, नीचे का एक्सिस कट कर देंगे, ऊपर भी मैं थोड़ा लेंथ सेम करके रख लूंगी। अब बनाएंगे हम फ्लावर, जिसके लिए मैं यहाँ पे 4x4 के स्क्वायर यूज कर रही हूँ। इसको करेंगे हाफ फोल्ड एंड फिर उसका भी हाफ फोल्ड, फिर एक बार और फोल्ड एंड अब हम बनाएंगे कोई भी अपनी पसंद की लीव, ड्रॉ कर सकते हो, उसे कट करेंगे एंड इट्स डन। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारा फ्लावर इज रेडी। इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी एंड इसको स्टिक कर दूंगी लाइक दिस। एंड सिमिलरली हम और भी प्रिपेयर कर लेंगे व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स के एंड अब बस हम इन्हें स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से, व्हाइट, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन। सबसे टॉप पे हुआ ऑरेंज, तीन ऑरेंज, देन तीन व्हाइट, तीन ग्रीन एंड इट्स टर्न सुपर क्यूट फ्लावर पॉट। नाउ इट्स ट्रायलेट and here it is our cute super cute flower pot, tricolor flower pot arrangement। आपको लगा के दिखाती हूँ क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या, इधर लग रहा है ना, amazing super cute close up shot। एंड बस इसको मैंने जो है डबल साइड टेप से लगाया क्योंकि बहुत 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 लाइट वेट था। आप चाहे तो इसे अपनी कहीं क्लासरूम, अपना रूम, स्कूल, कहीं पे भी इस ब्यूटीफुल क्यूट DIY को लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का होता है एंड, क्योंकि हमने खुद को भी सजा लिया, अपने रूम और स्कूल को भी सजा लिया। आज के लिए बस इतना ही एंड कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना आपको सभी DIYs में से एक तो बेस्ट कौन सा लगा एंड एक जो मैंने अपना स्कूल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है उसमें से आपके साथ क्या क्या होता है। एंड अगर आप कोई फंक्शन, मतलब आपके इसमें भी ऑफिस या स्कूल में फंक्शन है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं, क्या कर रहे हो, मुझे सारी गपशप जाननी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इसमें से आप क्या ट्राई करने वाले हो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। एंड भूलना मत, ट्राई करोगे तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। अपने क्लासरूम और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के सामने फ्लॉन्ट करने में जो मज़ा है ना, स्पेशली खुद के DIYs का, नेक्स्ट लेवल ब्रो, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Bye-bye, and once again, happy Independence Day. Bye-bye.